अंजलि जी अपना परिचय दे दीजिए बोर्ड को। सर मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मेरी स्कूलिंग मैं पन्ना जिले से बिलोंग करती हूँ, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। बुंदेली लोकगीत गायन और डायरी लिखन मेरी हॉबी है और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। चलिए ठीक है, आपका पिन कोड है 488001, इसमें 01 क्या है या 1 क्या है? सर ये पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है इसमें। मैं पिन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, पिन कोड के बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन एरिया होता है उसको शायद डिफर करता है। कितने डिजिट के होते हैं पिन कोड? 6 डिजिट हमेशा। सर मैं एमपी में सारी 6 डिजिट थी। भारत में भी सर शायद 6 डिजिट थी सारी। तो कंफर्म बताइए आप मुझे। सॉरी सर मुझे लगता है कि 6 डिजिट थी। अच्छा तो ये लास्ट का नंबर क्या है, 01 क्या है? 1 सॉरी सर। अच्छा चलिए ठीक है, आप पन्ना से हैं? जी सर। पन्ना का संबंध किससे है? सर हीरा। हीरा से जी सर। और पन्ना का संबंध पन्ना से नहीं है? नहीं सर, पन्ना एक प्राचीन समुद्री क्षेत्रों में मिलता है। हाँ हाँ। तो पन्ना वहाँ नहीं पाया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में गोंडों की राजधानी थी जो किलकिला नदी है उसके उत्तर साइड, तो वहाँ पद्मावतपुरी उनकी कुल देवी थी, उनका एक मंदिर बनाया गया था, तो वही आगे चल कर के पद्मा और फिर अपभ्रंश होकर के पन्ना और फिर पन्ना में कन्वर्ट। चलिए ठीक है, हीरा रत्न है या नहीं? सर है, है? खनिज है। खनिज और रत्न में क्या अंतर होता है? सॉरी सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर रत्न मतलब सर खनिज है, अगर उसका परिष्करण हो जाता है तो हीरे को एज अ रत्न हम पहनते हैं, उंगलियों में धारण करते हैं, पर ऐसे रॉ मटेरियल वो खनिज है। नहीं रॉ मटेरियल, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ खनिज और रत्न में क्या अंतर होता है? सर मुझे लगता है जो रत्न है वो शरीर में धारण करने योग्य होते हैं और खनिज विभिन्न कार्यों में यूज किए जा सकते हैं। ऐसा होता है। अच्छा रत्नों का संबंध ग्रहों से होता है, मानती हैं आप ऐसा? कैसा संबंध होता है कुछ जानती हैं आप इसके बारे में? सर मैं पन्ना के बारे में जानती हूँ, पन्ना रत्न होता है वो हरे रंग का होता है और जो बुध ग्रह होता। अच्छा रत्न भी नौ होते हैं? अच्छा आपने देखा होगा सब कुछ नौ ही नौ होता है, ऐसा क्यों? सर नवग्रह के हिसाब से मुझे लगता है कि नवग्रह के हिसाब से नवरत्न भी नौ होते हैं, आपने देखा होगा नवरत्न इतिहास में पढ़ा होगा आपने, नवरत्न नौ ही क्यों रहते हैं नवग्रह के हिसाब से? अच्छा चलिए ठीक है, आप कितने नवरत्नों को जानती हैं इतिहास के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो? पन्ना नीलम इतिहास के संदर्भ में, इतिहास में। अच्छा सर एक विक्रमादित्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न और एक हर्ष के दरबार में कनिष्क के दरबार में नवरत्न थे। अच्छा अकबर के दरबार में? ये सर अकबर के दरबार में। ऐसा था। अच्छा आप मुझे जो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे और अकबर के दरबार में नवरत्न थे, आप बताइए मुझे कि उन नवरत्नों में से कितने कौन कौन से नवरत्न थे जिनका संबंध मध्य प्रदेश से था? सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश से था, क्योंकि उज्जैन में उनकी राजधानी थी तो वहीं से। मुझे नाम बताइए बाकी व्याख्या मत करिए प्लीज। और सर वराह मिहिर का संबंध भी मध्य प्रदेश से सुना है मैंने सर। और सर तानसेन का संबंध अकबर के शासनकाल में। और सर मुझे कितने याद है? चलिए ठीक है सर, अंजलि जी आप पन्ना से हैं? पन्ना में डायमंड खदान के उत्खनन संबंधी जो विवाद है वो क्या है, कुछ जानकारी? सर ये लीज में दिया गया था तो अभी पिछले साल इसकी लीज खत्म हो गई थी, तो जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट एरिया के जो रेंजर हैं और जो वहाँ के भी कर्मचारी हैं उन सभी ने आपत्ति जताई थी कि आगे इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो गगो वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है वहाँ के जो जानवर हैं उनको आने जाने में परेशानी होती है और साथ ही पेड़ों की कटाई भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है और वो एक जरिया बन रहा है वहाँ के पेड़ों की तस्करी के लिए, तो वो इसका विरोध कर रहे थे। और सर दूसरी ओर ये पन्ना के राजस्व के लिए और साथ ही मध्य प्रदेश के राजस्व के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है,
तो प्रशासन चाहता था कि इसको आगे कैरी करे, तो फिर सर इसका निष्कर्ष इस रूप में निकला था कि संतुलित रूप में खनन हुआ और जिससे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। लेकिन स्टोन एज के कुछ जो है कुछ अवशेष कुछ मिले हैं, तो इस कारण से भी उसको पुरातत्व सर्वे से संरक्षित करने की मांग उठ रही है। चारा घोटाले की जानकारी है आपको? यस सर। क्या हुआ था घोटाला? सर 1990 के दशक में हुआ था, 96 के आसपास, और जो तत्कालीन बिहार, तब वो बिहार और झारखंड एक ही राज्य था, और जो लालू प्रसाद यादव जी थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। कैसे किया था? सर मुझे जहाँ तक पता है तो उन्होंने चारे के संबंध में सारी राशि जो अलॉट हुई थी उसका सही से उपयोग नहीं किया था। नहीं, राशि को कैसे खाया उनने, जिसमें जो है कुल कितने केसेस थे? सर चार, और चौथे में शायद आज सुनवाई हुई है। के पांच थे? यस सर, पांच थे, सॉरी सर। तो कैसे खाया, पैसा कैसे खाया? सॉरी, नहीं पता। चलिए, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये बता दें कि सॉइल फर्टिलिटी जांचने के क्या तरीके हैं? सर सॉइल फर्टिलिटी अभी तो सर सॉइल हेल्थ कार्ड ही जारी किया जाता है। तो सर एक पूरा जो क्षेत्र होता है, अगर उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है उस एक लैंड में, तो अलग अलग जगह से मिट्टी का नमूना लिया जाता है। बाई चांस अगर पूरे लैंड में एक जैसा होता है तो एक ऐसी जगह का लेते हैं जो सारे लैंड को रिप्रेजेंट कर सके, जो बेसिकली किसी नाले के किनारे का ना हो, पेड़ के नीचे का ना हो। तो सर उसमें से पूरा एक नमूना लिया जाता है 20 से 30 सेंटीमीटर तक का, क्योंकि वहीं तक हमारे जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उससे प्रभावित होती हैं। फिर सर उसको लेकर के छान करके, और फिर सर उसमें से जो भी अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उनको निकाल करके फिर उस मिट्टी को लैब में भेजा जाता है सर। अच्छा, ये बताएं अगर गेहूं की वैल्यू एडिशन करनी है तो क्या क्या उपाय करेंगे आप? क्या आप चूंकि इंजीनियरिंग साइड से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, तो गेहूं में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की आपकी नॉलेज का उपयोग करते हुए क्या क्या करेंगी जिससे कि उसका वैल्यू एडिशन हो जाए? सर पहले तो उसकी ग्रेडिंग करनी चाहिए, उसके साफ सफाई, ये सारी चीजें, फिर उसकी पैकेजिंग सर अगर अच्छे से करके हम डायरेक्ट उसको मार्केट में भेजते हैं तो भी सर अगर साफ सफाई का ध्यान। पैकेजिंग की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब बता सकते हैं आप? सॉरी सर, वैक्यूम पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सुनी है आपने? नहीं है, पर मुझे इतना ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है। नहीं है, पैकेजिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं? और सर इसको रॉ मटेरियल जो है जैसे आटे में हम यूज करके इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके अलावा सर ब्रेड वगैरह बना करके, तो ये रेडी टू ईट मटेरियल। ये तो प्रोसेसिंग बताइए आपने। अच्छा ग्रेडिंग बता दें, ग्रेडिंग में जो है ग्रेविटेशनल ग्रेडिंग जानती? यस सर। क्या होती है? सर ग्रेविटी के आधार पर मतलब उसका उपयोग करके जो भी अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उनको निकाल। सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं। ठीक, अंजलि जी, भारत के लिए एक संदर्भित बात ये है कि इस देश में किसानों का भला एक ही व्यक्ति ने चाहा है। इस व्यक्ति का नाम बता पाएंगे? सर चौधरी चरण सिंह। पॉलिटिकल उससे अगर छोड़ दिया जाए, चलिए स्वामीनाथन आयोग के बारे में जानकारी होगी आपको, उसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? एक तो सर हरित क्रांति को उन्हें प्रणेता कहा जाता है। मैंने स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस पूछी। सर जो MSP है उसको लागू करने के संबंध में उनकी रिकमेंडेशन थी कि, अभी सर मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत। आपका जन्म कब हुआ? 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस के दिन। तो मुझे बताएं कि हिंदी जो है वो अंग्रेजी से पिछड़ती क्यों गई? सर हमारे यहाँ सर ब्रिटिश शासन था, उसके बाद उस आज़ादी के बाद के हम बात कर रहे हैं। और सर उस टाइम की मानसिकता, उस टाइम पहले तो ज़रूरत ऐसी थी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे रिलेशंस बनाने थे, उसमें सर हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी। फिर दूसरी सर मानसिकता ऐसी बनती गई कि जो अंग्रेजी भाषा है वो हिंदी भाषा से उच्चतर है, और अगर हमें इंटरनेशनल कन्वर्सेशंस करनी है तो हमें इस भाषा का उपयोग करना चाहिए। ये बौद्धिकता और मानसिकता
का प्रतीक मानी। नहीं तो ऐसा क्यों होता गया, भारत में ही अकेला क्यों हुआ, और विश्व के देश भी तो हैं जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है लेकिन वो अपनी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है या देश की जो भाषा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सर इसका मुझे एक कारण लगता है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय और विविधता होना, जो साउथ रीजन्स है वहाँ पर हमारे देश के आंतरिक हिस्से में ही हिंदी का विरोध होता है, तो हम एज अ नेशनल लैंग्वेज उसे इतना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम दूसरे देशों में उसे रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन साउथ के जो लोग होते हैं वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं। यस सर, वो अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ते, लेकिन सर हिंदी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो अपनी मातृभूमि को, मातृभाषा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हिंदी के कंपैरिजन में, ताकि उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्र के साथ मिलाया ना जाए, उनकी अलग विविधता कायम रहे। तो सर ये ओवरऑल इंग्लिश को इसने ज़्यादा प्रमोट किया और हिंदी को थोड़ा। हिंदी के लिए एक संज्ञा यूज की जाती है अंजलि, कि हिंदी का मानकीकरण नहीं हुआ है अभी तक, क्या है ये? सर इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड होगा, समझ आइडिया नहीं है। चलिए, हिंदी के प्रसार के लिए और हिंदी को उतनी ही सशक्त भाषा बनाने के लिए आप कौन कौन से उपाय जो है वो सजेस्ट करेंगे? सर एक तो राजभाषा आयोग की जो भी रिकमेंडेशन है उनको मानना चाहिए। सेकेंडली सर मुझे लगता है अभी जो ये नई शिक्षा नीति उसमें मातृभाषा के उपयोग की जो बात कही गई है वो हिंदी को भी आगे ले जा करके। मातृभाषा हिंदी नहीं हो सकती है भारत में, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, बोलियां भी हो सकती हैं, तो हिंदी के लिए भी। दूसरा सर मुझे लगता है अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से इसका उपयोग करना चाहिए हमें, मैक्सिमम लेवल पे ऑफिशियल वे में भी सर हमको स्वीकार करना चाहिए इसे, और जो भी हमारे जो मंच होते हैं उनमें हिंदी के एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए। अगर लोगों के अंदर ये बात आती है कि हिंदी बोलें, कुछ ठोस उपाय आप बताइए। ये सब तो जो है वो नेता लोग भी बोलते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप करेंगे क्या एग्जैक्टली? ऐसे आपको ही मान लीजिए मैं प्रभार दे देता हूँ कि हिंदी का विकास इस देश में करना है, अब आप क्या करेंगे, कौन से उपाय अपनाएंगे? सर पहले तो मैं सर इसको शिक्षा में लागू करना चाहूँगी। सेकेंडली जो ये कौन सी शिक्षा में लागू करना चाहेंगे सर, जो उच्च शिक्षा होती है उसमें अभी हिंदी नहीं है, उसमें सर जो जैसे अभी सर मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में जारी करने की बात की जा रही है, ठीक है, वो मुझे बहुत ही अच्छा उपाय लगता है हिंदी पढ़ाने के लिए। और तीसरा सर मुझे ऑफिशियल लेवल में लगता है कि एटलीस्ट जिस ऑफिस में अगर मुझे प्रभार दिया जाएगा तो मैं वहाँ पर ये कोशिश करूँ कि जितने भी पत्राचार वगैरह हों और जो भी कन्वर्सेशन हो वो हिंदी के माध्यम से हो, केवल हिंदी में। सर जहाँ जरूरत लगे वहाँ इंग्लिश पर मैं हिंदी का करूँ। अच्छा, आपको एक बात नहीं लगती अंजलि कि जैसे कोई गांव का व्यक्ति है और वो कोर्ट जाता है तो जो कोर्ट के ज़्यादा अधिकतर जो जजमेंट होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, और अब जो ग्रामीण व्यक्ति है जिसको हिंदी भी अच्छे से नहीं आती तो वो कैसे समझेगा उस जजमेंट को? यस सर ये दिक्कत है, पर इसका सर मुझे लगता है ओवरऑल क्योंकि हम किसी भी कोर्ट का किसी भी एक प्रदेश के कोर्ट का किसी अन्य प्रदेश के कोर्ट में हम इसके जो भी आदेश या निर्णय होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं करते हैं, तो जो भी निर्णय होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और एक रियल जो भाषा है वो लोगों तक। लेकिन उस व्यक्ति को भी तो पता होना चाहिए जिसके लिए निर्णय हो रहा है, उसी को नहीं पता है क्या निर्णय किया गया। यस सर, तो सर ये मुझे लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा द्विभाषा का प्रयोग किया जा सकता है, या जैसे ट्रांसलेटर होते हैं संसद वगैरह में वैसे यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए, जबलपुर में भी रही हैं आप? जी सर। मुझे बताएं कि नर्मदा नदी जो है उसके कौन कौन से घाट हैं जबलपुर में? तो सर एक घाट है, एक और घाट है, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये तो वो भी बता देगा जो नर्मदा जी को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है, जीवित, इसके अर्थ क्या है? सर नर्मदा का संरक्षण करना इसका मेन अर्थ क्या होता है इसका जीवित इकाई का दर्जा देने का? जानकारी नहीं है आपको। चलिए, एक अंतिम प्रश्न आप मुझे बताएं कि जो भारत में पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सर 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुई थी। सर इस बार के बजट में कृषि के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं? सर डिजिटल कृषि, परिशुद्ध कृषि के लिए बात कही गई इसमें, और सर जैविक कृषि के लिए बात कही गई है, और सर मिलेट वर्ष मनाने के लिए बोला गया है। मिलेट वर्ष या मोटा अनाज? सर मोटा अनाज, मिलेट सर सीरियल्स नहीं, तो मिलेट और मोटा अनाज में अंतर एक है कि अलग अलग है? सॉरी सर, लेकिन मिलेट वर्ष की घोषणा की गई है। अच्छा सर ठीक है, प्राकृतिक खेती जानती हैं आप और जैविक खेती का भी आप ही नाम लिया आपने, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कोई अंतर है? सर जैविक खेती में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करना है,
सारे प्राकृतिक चीजों का और जैविक ये चीजों का यूज करना है सर। ये जो प्राकृतिक खेती है इसका पूर्ण टर्म हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रूप में यूज करते हैं। इसमें सभी संसाधनों को की लागत को शून्य बनाने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नहीं पूछी है, मैंने सर प्राकृतिक कृषि की बात की। तो सर मुझे लगता है जो प्राकृतिक खेती वो है जो परंपरागत रूप से की जा रही थी रसायनों के आने से पहले, और अभी ये वैज्ञानिकता का उसमें समावेश हुआ है प्राकृतिक और नेचुरल। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी चीज छोड़िए, आप मुझे बताइए प्राकृतिक खेती के तीन प्रमुख अंग बता दीजिए, तीन प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप पन्ना से हैं, पन्ना से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं? सर दो। दो कौन कौन से? सर एक 39 है और एक 34 है। 34 कहाँ से गुजरता है? सर 34 सर सॉरी सर 34 छतरपुर से गुजरता है। एक 39 सर मुझे याद है, एक अमानगंज पवई से निकलता है, पर मुझे उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ पटनी नदी का नाम सुना आपने? नहीं सुना पटनी नदी का नाम? अच्छा आप मुझे बताइए कि केन नदी पन्ना की सीमा किस जिले के साथ बनाती है? छतरपुर के साथ। कंफर्म है ना? अच्छा आप इंटरव्यू देने बाय रोड आई है बाय ट्रेन? बाई रोड। पन्ना में ट्रेन नहीं है? ना तो पन्ना जिले में है ना ही पन्ना की सीमा में है। सर पन्ना की सीमा में भी नहीं है, सर खजुराहो में स्टेशन है और खजुराहो से छतरपुर में आता है। अच्छा चले बाई रोड आती हैं। अच्छा बाई रोड आप आ रही हैं इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, आ रही होंगी, और अचानक क्या होता है जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी सी तेज चल रही है, आपके साथ कोई नहीं, आप अकेली हैं, खुद ड्राइव करके आ रही हैं, अब बहुत तेजी से आ रही हैं और आपकी गाड़ी से एक छोटे से बालक का एक्सीडेंट हो जाता है। आप गाड़ी इसीलिए तेज चला रही हैं क्योंकि आपको इंटरव्यू में पहुँचना है, टाइम पर पहुँचना है, आप ऑलरेडी लेट हो रही हैं, आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम में पहुँचने में देरी हो रही है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कुछ भी नहीं है, आप अकेले आती हैं और आपकी गाड़ी से एक छोटे से बालक का एक्सीडेंट हो जाता है। आप उस स्तर पर हर तरह की मदद का प्रयास करती हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर मिलने वाली मदद हो या फिर नागरिक स्तर पर मिलने वाली मदद हो, कोई भी आपकी मदद नहीं करता, ऐसी दशा में आप क्या करेंगी? सर मैं रुकूंगी सर, उस बालक को हॉस्पिटल पहुँचाऊंगी, उसके बाद अगर वहाँ से आना पॉसिबल हुआ उसको छोड़ करके, तो मैं आयोग तक आऊँगी, एक बार अपनी बात आयोग के सामने स्पष्ट करूँगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो सर मैं इंटरव्यू दूंगी, अन्यथा सर मैं सेकेंड प्रयास करूँगी। आपका अंतिम प्रयास है, आपकी आपकी उम्र पूरी हो चुकी है लगभग, ये अंतिम प्रयास है आपका? सर फिर भी मैं पहला वाला ऑप्शन ही चूज करूँ, क्योंकि किसी के जीवन से बड़ा मेरा एक सफलता का दृष्टिकोण नहीं हो सकता सर। तो आप नौकरी छोड़ देंगे, आप प्रशासक जीवन में कभी नहीं बनेंगी? सर अगर उधर पे और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उस बालक को हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके या उसकी मदद की जा सके, अगर मेरे सभी रास्ते बंद हैं और अंतिम विकल्प या तो उसको बचाना या अपनी नौकरी पाना है, तो सर मैं उसके लिए। अच्छा बताइए मुझे, अगर आप प्रशासक बन जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाती। अभी आपने अल्पकालिक मानव हित को देखा, आपने दीर्घकालिक मानव हितों को नज़रअंदाज कर दिया। अगर आप प्रशासक बन जाती तो रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनको बेहतर तरीके से लागू करवाती, चीज़ें बहुत व्यवस्थित संचालित होती, तो अभी आज आपने एक जान बचाई है, आप हजारों और लाखों जान बचाती, तो आपने नहीं, आपको नहीं लगता कि आपने रणनीतिक भूल कर दी अल्पकालिक मानवीय हितों को ध्यान में रखना? पर मुझे लगता है कि वो एक्सीडेंट तो पहली बात मेरी वजह से हुआ है, मेरी भूल की वजह से हुआ है, जो बच्चा चोटिल है, तो सर अगर मेरी प्राथमिकताएं ही गलत होंगी तो आगे चल के मैं नहीं कह सकती कि मैं प्रशासन में भी कुछ इतना अच्छा कर पाऊंगी, अगर मैं अपनी स्टार्टिंग ऐसे करूंगी तो सर पहले मेरे लिए उस सिचुएशन को तो आप इसको ऐसा नहीं देख सकते कि आगे बढ़ने के क्रम में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं? कि जान से जान ऐसी लेना या फिर उसे इस हालात में छोड़ना और अपनी जिम्मेदारियों से भागने को छोटी मोटी मान लीजिए। ठीक है अंजलि जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं।